Hey guys, welcome back to our channel. इंडिया में क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन को लेकर एक बार फिर यहां पर हमें डिले देखने को मिल रहा है, जहां अभी तक ये कहा जा रहा था कि मौजूदा विंटर सीजन में इस बिल को संसद में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, वहीं आज यानी 22 दिसंबर को इस सेशन का एंड आ गया है। ऐसे में पूरी उम्मीद की जा रही है कि फरवरी 2022 में बजट के साथ ही इस बिल को इंट्रोड्यूस और रेगुलेशन को लेकर यहां पर एक्शन लिया जाए। ऐसे में आपको बता दें कि इस बीच हमारी गवर्नमेंट इस क्रिप्टो बिल को लेकर काम करेगी, किस तरीके से यहां पर काम करना है, किस तरीके से करनी है, इन्हीं सारी चीजों के ऊपर यहाँ पर काम करेगी। बात की जाए डिले की, तो आपको बता दें कि डिले करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन यही है कि गवर्नमेंट भी अभी इस बिल को नहीं समझ पाई है और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए उन्हें अभी डिले करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि खुद मोदी सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अभी इस डिजिटल करेंसी को वो समझ नहीं पाए हैं और इसको समझने के लिए वो और लोगों से उनकी सलाह लेना चाहते हैं, जिसके बाद ये यहाँ पर रेगुलेशन को लेकर काम करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि पब्लिक के सामने भी बिल पेश किया जाता है, जिससे पब्लिक को भी पता चले कि आखिर इस बिल में लिखा क्या हुआ है। लेकिन बिल को लेकर ही यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि बिल अभी तक प्रॉपर्ली पब्लिक के सामने आया ही नहीं है। जहाँ पहले एक बिल मीडिया में फैला दिया गया था, जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को बैन करने की बात यहाँ पर लिखी हुई थी, लेकिन ये सब अधूरे बिल्स थे और गवर्नमेंट अब सीरियसली इन्हीं बिल्स के ऊपर काम कर रही है। ऐसे में ये देखना बिल्कुल दिलचस्प हो जाएगा कि गवर्नमेंट किस तरीके से यहाँ पर रेगुलेशन को लेकर काम करती है, किस तरीके से यहां पर क्रिप्टो करेंसी, जो उसका नाम बदलने की यहां पर बात है, वो भी लेकर आएगी। देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से इंडिया में आखिर क्रिप्टो करेंसी की रेगुलेशन होती है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मैं गौरव विदा लेता हूं आपसे, मिलूंगा ऐसी एक खास वीडियो के साथ। जब तक के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी छोटी मोटी अपडेट से आप वाकिफ रहें। और इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है वो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।